दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जो रणनीति राष्ट्रीय जनता दल की नजर आ रही है वो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो वाली है। दवाई सिंचाई कमाई या फिर शिक्षा की बात करें, इन तमाम मुद्दों के साथ राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। बात की जाए तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान में तेजस्वी यादव का कई नुक्कड़ सभा जो है वो आपने देखा होगा, लेकिन कई बड़ी दायित्व जो है वो पार्टी के कई अन्य नेताओं के कंधे के ऊपर तेजस्वी यादव ने दिया और उसे बखूबी वो तमाम नेता निभा रहे हैं। बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के जो राज्यसभा सांसद हैं अशफाक करीम, वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क के माध्यम से पार्टी की जो विचारधारा है और जिन रणनीतियों पर आने वाले समय में तेजस्वी यादव को काम करना है, उन तमाम विषय को अशफाक करीम जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। गौरतलब हो कि शिक्षा स्वास्थ्य की जो बदहाली है बिहार में, उसकी पोल खोलते नजर आ रहे हैं अशफाक करीम। जिस जगह जनसभा कर रहे हैं, लोगों के बीच जहां बैठे हुए हैं राज्यसभा सांसद, वहां वो एनडीए की खामियों को गिनवा रहे हैं। क्या कुछ कहा है इस जनसंपर्क में जनता के बीच अशफाक करीम ने, आप देखिए इस तस्वीर में। ये दो सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, राजद जीतने जा रही है। ये जब जीत जाएगी दो सीट, तो ये दोनों सीट पहले नीतीश जी की सीट, ये चारों सीट उसका नुकसान हो जाएगा। दो जीतेंगे हम लोग तो जो सरकार है नीतीश जी की जदयू का, वो समझिए कि उस सरकार का एनडीए का 4% का नुकसान होगा। 4% का नुकसान होगा तो सरकार गिरेगी। और उधर जो लोग कुछ लोग हैं, माझी जी हैं या वो आपके सहनी जी हैं, ये 2-4-5 को जो रखे हुए हैं, अब उनको ये लग रहा है कि अब नीतीश या जदयू के पास वोट नहीं, एनडीए के पास अब जनता का सपोर्ट नहीं है, समर्थन नहीं है, इसलिए ये पार्टी जीत रही है तो वो लोग इधर भागेंगे। तभी हम लोग ये किसी तरह से इसको जिताएं तो सरकार हम लोग की बन जाएगी। हम लोग इसको जिताएं और तेजस्वी जी एक नौजवान आदमी, आज नौजवान को अंदर से दिल रहता है कि हम कुछ करें, हम सरकार बनाएं, तो हम लोग उनके सहयोग में खड़े हैं और हर जगह के लोग घूम रहे हैं। और डर इतना हो गया है बिहार सरकार को कि उनके सारे मंत्री घरे घर घूम रहे हैं। तो उनसे पूछिए, आपने इतने दिन में 16 बरस हो गया, 17 बरस आपको हो गया सरकार को, आपने क्या किया, हम लोगों की क्या हालत सुधर गई, कितना रोजगार मिला, कितनी महंगाई घट गई, कितना शिक्षा के क्षेत्र में आपने काम किया, कोरोना में इतना आदमी मरा उसके लिए आपने क्या किया, आप तो कुछ करते हो नहीं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वोट के टाइम में आकर के जो है वरगलाते हो लोगों को, हमारे हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, जो भी हो, ये एकजुट होकर के राजद के लिए आज के दिन में जिताने का काम करेंगे। तभी ये सरकार जाएगी या वो सरकार जाएगी तो हम लोग इसके लिए दिन रात हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे बिहार की तरक्की की जाए, बिहार को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बगैर जनता के सहयोग से प्रजातंत्र में जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा तब तक सरकार नहीं बन सकती। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। बटको चाहे जहां काम होगा सिर्फ यहां, गृह कलेश कर्ज मुक्ति प्रेम विवाह जादू टोना पति पत्नी में अनबन सौतन या दुश्मन से छुटकारा विदेश यात्रा में रुकावट फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी, अभी कॉल करें 9821707996। आप लोग का सहयोग और सिर्फ आप लोगों का नहीं, देखिए हमारी जैसी सम्मानित महिला है घर छोड़ करके घूम रही है, क्यों गैस महंगा हो गया, घरुआ तेल 200 रुपए लीटर किलो केजी चल रहा है, तो सब लोग परेशान है, घर के लोग भी महिलाएं परेशान है। आप लोगों से आग्रह है, आप लोग उस दिन 30 तारीख को घर से अपनी हमारी माँ को, बहन को, बेटी को, जो भी वोटर है हमारी बहू, सबको निकालिए, नहीं निकालिएगा तो नुकसान हो जाएगा, निकाल करके लाइन लगाएं सुबह से।
और लालटेन पर हम लोग अपना बटन दबाने का काम करें। तभी हम लोगों का